देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। राहुल गांधी ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी मेरे पूरे परिवार से, मेरे पूरे ताल्लुका तुम लोगों से है, मेरी उसके बाद प्रियंका गांधी को वायनाड से। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं अपने भाई की कमी वहां पे महसूस नहीं करने दूंगी। देखिए, देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की पपौती नहीं होती है, देश देश है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो कांग्रेस के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच बात यह है देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है। नहीं, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी सब सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि खराबी मशीन में नहीं है, खराबी इनके दिमाग में है। वायरस मशीन में नहीं है, इनके दिमागों में आ गया है। और वायरस ऐसा आया है कि ये अपना पासवर्ड भूल गए, अब नया ओटीपी जारी करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से पहले लोग कहते थे कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम हैक कर दिए गए बीजेपी के द्वारा, अब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का बराबर समताल मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और 2029 तक निष्कंटक राज चलेगा।